कोडरमा घाटी में तेल लदा टैंकर के पलट जाने के बाद लोगों की संवेदनहीनता नजर आई। टैंकर पलटने के कारण जहां उसका खलासी टैंकर में ही घायल अवस्था में फंसा रहा, वहीं आसपास के लोग तेल लूटने में व्यस्त रहे। तकरीबन एक घंटे तक तेल टैंकर से तेल की लूट का सिलसिला जारी रहा। जिसे जो मिला वो हाथ में लेकर पलटे हुए टैंकर के पास पहुंचा और उसमें तेल भरकर निकल लिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, किसी के हाथों में बाल्टी तो किसी के हाथों में घर के बर्तन, तो कुछ लोग तेल के कंटेनर में तेल लूटने की होड़ में लगे रहे। इधर घटना की जानकारी मिलने पर कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने तेल लूट रहे लोगों को खदेड़ा और तेल लूटने से रोका। इसके बाद क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया और उसमें घायल अवस्था में पड़े खलासी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक पाम ऑयल से भरा टैंकर नवादा की ओर जा रहा था, तभी मेघात्री के पास ब्रेक फेल हो गया और अनियंत्रित होकर पलट गया। रांची पटना मुख्य मार्ग के मेघात्री के पास पलट गया। गौरतलब है कि इसी रांची पटना मुख्य मार्ग के दूधी माटी के पास एक वाहन के चकमा खाने से केमिकल लदा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केमिकल लदा टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें से केमिकल का रिसाव होने लगा, जिसके बाद मौके पर दूसरे टैंकर को मंगाया गया और उसमें केमिकल का रिफिल किया गया। के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।